नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है। लेकिन वो कहानी सुनी है ना कि राजा की जान तो तोते में है। इस देश में जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता खत्म की जा रही है। उनके रगों में शहीदों का खून है, उनके पिता शहीद हुए, उनकी माता। हम कह रहे हैं मोदी जी चोर हैं, करो सब पर FIR। मोदी चोर है, सड़कें बेच रही है, बेच रही है सरकार, एयरपोर्ट बेच रही, इसकी दलाली किसके पास जा रही है? चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग है। मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी की सरकार के हर मंत्री को, इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना का नाम ले। आज के स्कूल में चले जाइए, पहली दूसरी में बच्चे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कौन लाया ये मोदी जी की देन है इस देश को। भारत माता की, राहुल गांधी। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ लगातार जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मोर्चे पे आंदोलन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने राजघाट में आंदोलन किया था राहुल गांधी के सपोर्ट में, और आज ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, तो हम इन लोगों से बात करते हैं आखिर क्या वजह है जो रोज रोज इन लोगों को कल से लगातार इन लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। क्या वजह है जो आप लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है? इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इस देश में जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता खत्म की जा रही है। आदरणीय राहुल जी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए लगातार जो एक भ्रष्ट उद्योगपति है उस पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन वो कहानी सुनी है ना कि राजा की जान तो तोते में है। तो जब मोदी जी इस बात से क्यों खफा हो रहे हैं जब हम बात अडानी की कर रहे हैं, यानी इस राजा की जान भी उस तोते में छिपी हुई है जिससे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। राहुल जी उस बात को उठा रहे हैं तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जा रही है। राहुल गांधी विदेश में जाके बदनामी कर रहे हैं भारत की, और आप लोग कह रहे हैं कि यही समस्या है। इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल जी ने कोई बदनामी नहीं कही, उन्होंने जो सच बात थी वो कही। बदनामी आदरणीय मोदी जी ने कही जब उनको कहते हुए शर्म नहीं आई कि मुझे इस देश में पैदा होने में शर्म आती थी। बदनामी इसे कहते हैं, सच बताने को बदनामी नहीं कहते हैं। राहुल जी के रगों में इस देश में, उनके रगों में शहीदों का खून है, उनके पिता शहीद हुए, उनकी माता शहीद हुई, फिर कांग्रेस के लोग शहीद होकर के देश बचा रहे हैं। नहीं तो मोदी जी को चोर बोल देंगे राहुल गांधी। जो चोरी करेगा उसको चोर बोलेंगे। मोदी जी ने चोरी की है, और क्या कर रहे हैं मोदी जी? हम कह रहे हैं मोदी जी चोर हैं, करो सब पर FIR। मोदी चोर है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें बड़ी कम नहीं हुई, उसका जो 23 लाख करोड़ रुपया पिछले 9 साल में गया वो कहाँ गया? इसी को चोरी कहते हैं। सिलेंडर के दाम जो बढ़े हुए हैं वो एक ही उद्योगपति की जेब में क्यों जा रहे हैं? इसी को चोरी कहते हैं। सड़कें बेच रही है सरकार, एयरपोर्ट बेच रही, इसकी दलाली किसके पास जा रही है? भाजपा के अकाउंट में जो 3,500 करोड़ रुपए आए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो कहाँ से आए हैं? इसी को चोरी कहते हैं। नहीं नहीं, लोगों को नौकरियों का मौका भी तो मिल रहा है प्राइवेटीकरण। कितनों को मिला? 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे, 9 करोड़, 9 साल हो गया, 18 करोड़ को मिली थी, 10 करोड़ की चली गई। आप लोग सब बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। जो खुद बदनाम है उसे और कौन बदनाम करेगा? मोदी जी ने देश का नाम विदेशों में खराब किया है। मोदी जी ने देश का नाम हर जगह डुबाया, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी, देश में सांप्रदायिकता बढ़ा दी। आज लोगों के बीच नफरत का माहौल है। मोदी जी डर गए भारत जोड़ो यात्रा देख के। लोगों को क्या क्या चाहिए? राम राज आ गया है, मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। राम राज आया ना, राम राज आया, हाथरस में एक माँ एक बेटी खुद को जिंदा जला ली क्योंकि बुलडोजर सरकार थी। ये बुलडोजर सरकार है, राम राज नहीं है, ये गलत फहमी है, और इसी गलत फहमी को ये बेच रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता बहुत महान है, इसने अच्छे अच्छे तानाशाहों को सबक सिखाया है, इसको भी सिखाएगी। जनता तो योगी जी की मूर्ति लगा के पूजा भी कर रही है, आप लोग बेमतलब से बदनाम कर रहे हैं। उनको जनता नहीं, उनको भक्त कहते हैं। और उन भक्तों के अकाउंट में जब पैसे डालेंगे योगी जी, हर कोई करेगा। भैया जो इम्प्लॉई होता है वो अपने सरकार, हाँ लगा रहे हैं, करेंगे FIR, कह दीजिए मोदी जी को। हम इस देश की जनता है और हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे। बुलडोजर के जब आप लोग बोल रहे हैं तब राहुल गांधी जो हैं, जब आप लोग इतना खुल के बोल रहे हैं तो फिर राहुल गांधी आरोप क्यों लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? तो खतरे में ही है लोकतंत्र।
देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और जब कोई उसके पक्ष में बोल रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दो। तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है, जुडिशरी को खरीद लिया, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आप मोदी जी चोर बोल देंगे, प्रधानमंत्री को आप लोग चोर बोल देंगे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री को क्या क्या बोला है आपको याद है? नहीं याद हो तो अपना आर्काइव ढूंढ लीजिए, मनमोहन सिंह के बारे में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। हम तो फिर भी चोरी बोल रहे हैं। इन्होंने क्या क्या बोला मनमोहन सिंह को, इन्होंने क्या क्या बोला सोनिया जी को, इन्होंने क्या क्या बोला राहुल गांधी को, राजीव गांधी को, या इंदिरा गांधी को, या जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या बात करते हैं लोग, आपको पता है? राहुल गांधी ने बोला था गाल उठालेंगे सोना निकालेंगे। ये तो आपका सवाल ही गलत है, शायद आपको होमवर्क नहीं किया है आपने, आपको होमवर्क करना चाहिए। ये मोदी जी ने कहा था, अगर आप होमवर्क नहीं करके आओगे, देखिए जनता तो यही कह रही है कि ये सवाल, ये जो बात है, ये राहुल गांधी, जब एक सक्षम समझदार रिपोर्टर मुझसे ये सवाल करे कि राहुल गांधी ने आलू और सोना की बात कही, तो मैं जनता पर क्या इल्जाम लगाऊं? तो आप जैसा परोसोगी, प्लेट में जो खाना आता है लोग वो खा लेते हैं, फिर बाद में उल्टी करते हैं, और वो उल्टी करेंगे मोदी जी के ऊपर। और ये सच है, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की जनता बहुत महान है। हमने अंग्रेजों से लड़के आजादी ली है, जिसका जयशंकर ने कहा था ना कि चीन से कैसे लड़े, उसकी तो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। अंग्रेजों के सामने हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, हमारी औकात थी, लेकिन हमने उनको भगाया। मोदी जी उनकी सेना को भी भगाएंगे, नफरत हटाएंगे। मोदी जी चाइना को भगा दिया, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, विश्व पटल पे भारत नाम रोशन कर रहा है अपना। ये जोक्स मुझे अच्छे लगे, ये अच्छे लगे। अब आप बोलते तो लोग हंसने लगते हैं, ऐसा मत बोलिए। आप हंस रहे, आप लोग कांग्रेस के हैं इसलिए हंस रहे। आप जनता को जाके पूछ लीजिए, हम भी जनता है, कांग्रेस के हम भी टैक्स देते हैं भैया, हम भी देश की जनता है। और ये जो झूठ परोस रही है, मोदी जी ने कभी चाइना का नाम लिया? 2 साल से मसला चल रहा है, गलवान हो चाहे डोकलाम हो, मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी की सरकार के हर मंत्री को, इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना का नाम ले। एक बात बता देता हूँ, 2015 में शी जिनपिंग यहाँ आए थे अहमदाबाद, याद होगा आपको, झूला झूल रहे थे, उस वह ऑफिशियल डिनर रखा गया था शी जिनपिंग के लिए। पता है क्या किया भारत सरकार ने? हमारे मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको बुलाया नहीं था, क्योंकि शी जिनपिंग नाराज हो रहे थे। ऐसी निकम्मी और बेशर्म सरकार जो अपने मंत्री का बचाव नहीं कर पाती है, वो देश की जमीन का क्या बचाव करेगी? क्या बात करती है सरकार? मोदी के आने से विदेशों से रिश्ते मजबूत हुए हैं। नेपाल आपसे दूर चला गया, नेपाल आपको आग दिखा रहा जो आपका एक अलाई था। बांग्लादेश आपसे अर्थव्यवस्था में आगे चला गया, जिसको हम सप्लाई देते थे, ठीक है। भूटान आपकी बात नहीं सुन रहा है, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, अफगानिस्तान का माहौल आप देख लीजिए, श्रीलंका आपसे चला गया, वहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया। कौन सा विदेश में मौजूद हुआ है? पीआर करने को विदेश नीति नहीं कहते? देश का पैसा डाल के आयोग को जाकर के वहां मोदी मोदी करने से मजबूत नहीं होता। आप लोग इतना जो बोल रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5-5 किलो राशन देने का ऐलान। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, आपके सवाल में जवाब है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोगों को राशन देना पड़ रहा है, उनकी कमाने की क्षमता खत्म कर दी है मोदी जी ने, उनको भिखारी बना रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हम आ रहे हैं। युवाओं के लिए अग्निवीर लाया तो आप लोग कुछ नहीं। तो युवाओं को पूछो आप अग्निवीर से क्या कर रहे हैं, युवाओं को 4 साल की नौकरी कराएंगे, उसके बाद अडानी का नौकर बनाएंगे, इसलिए युवाओं को अग्निवीर लाया है। शर्म आनी चाहिए, जो सुबह 4 बजे उठ के युवा दौड़ता हो 4 साल के लिए नहीं दौड़ता। आप लोगों को 56 इंच का सीना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनकी 56 इंच की तोंद है, सीना नहीं है, पहली बात तो ये। हाँ। जी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। हम ढंगे की चोट पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो हमको लोकतंत्र, वो हमको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। क्या क्या चाहिए? राम मंदिर चाहिए, और भी हिंदू राम मंदिर उन्होंने दिया। राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो तो जबरदस्ती क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इस देश को नफरत दी है, नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान करके 4th क्लास में बच्चे पढ़ते हो, हिंदू मुसलमान जानते हैं, वो नफरत करते हैं एक दूसरे से। ये दिया है मोदी जी ने। हम भी और आप भी जब स्कूल में थे तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे। आज के स्कूल में चले जाइए आप, पहले दूसरे में बच्चे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कौन लाया ये मोदी जी की देन है इस देश को? महिलाएं सुरक्षित नहीं है पूरे, चाहे देश की
बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। अभी एक 3 वर्षीय नन्ही सी बच्ची का बलात्कार हुआ, बलात्कार में मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार नंबर एक पे चल रही, जो कि बहुत शर्म की बात है। तो राजस्थान में भी होता है, आप लोग बात करें राजस्थान में भी अभी करती थी। एक मिनट पहले सवाल लीजिए, दूसरे को अपने अपोजिशन को गलत कहना बहुत आसान है। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अभी दो मुसलमान की मतलब उसने मोनू मानेसर ने आप देखा उसपे उसपे FIR हुई है। देखिए कानून का काम ये जो मोनू की हत्या हुई है, हाँ मोनू की हत्या का माहौल किसने बनाया? मोनू की हत्या नहीं हुई है, दो मुस्लिम की हत्या हुई है। तो उसका माहौल किसने बनाया? सुनो पहले मेरी सवाल। माहौल RSS पंजरंगदल और VSP के लोगों के ऊपर इल्जाम है। राहुल गांधी गए उस परिवार से मिलने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने गए। योगी आदित्यनाथ कहीं गए? मोदी जी कहीं गए? एक मिनट, राहुल जी कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं ना। शिवराज सिंह चौहान कहीं गए? ठीक है, आपके अमित शाह कहीं गए? JP नड्डा कहीं गए? अरे कुछ तो सवाल सरकार के लिए रखिए, सारा विपक्ष से पूछ लेंगे, विपक्ष के पास और भी काम है। मैं क्या बोल रही हूँ, राजस्थान में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे जब दो मुस्लिम युवक की हत्या हुई जिसका आरोपी मोनू मानेसर है, कौन है वो कौन है? वो RSS बजरंग दल VHP से जुड़ा हुआ है। कोई भी है, लेकिन जो मरा है, जो पीड़ित है, उसके घर पे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? योगी आदित्यनाथ कहीं गए क्या? हाथरस में बच्ची को जिंदा जला दिया गया, योगी आदित्यनाथ वहाँ गए? कोई गए? नहीं जाएंगे तो आप ही नहीं। हम तो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, हाथरस में राहुल गांधी गए थे हाथरस, तब जाके इंसाफ मिला। वरना क्या किया था सरकार ने जिसके साथ रेप हुआ उसको घासले डाल के जलाया, ये तरीका है क्या? ये तरीका है? आज आदिवासी बच्ची का रेप हुआ, आदिवासी का इंदौर में, मऊ में, वहां पर पता क्या किया पुलिस ने? उसी के पिता पे FIR कर दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि जिस पीड़िता के ऊपर रेप हो उसी के पिता पे FIR हो, जिसकी पुलिस की गोली में मौत हो जाए उसी पे FIR हो? ये कौन सा नियम है? इसको तानाशाही और अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ने आए हैं और लड़ेंगे। नहीं, जब आप लोगों पे आता है तो आप लोग विपक्ष पे मार करने लगते हैं। विपक्ष पे हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष हैं। सत्ता का काम है जवाब देना, सुरक्षा देना, हमारा काम नहीं है। जिस दिन हम सत्ता में रहेंगे हम देंगे, सुरक्षा भी देंगे, और हमने दिया है अधिकार, दिया है शिक्षा का, शिक्षा का अधिकार दिया है, राशन का अधिकार दिया है, एजुकेशन का अधिकार दिया है। किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अब तो सदस्यता चली गई, अब क्या होगा? चल जा, चल जा, क्या बोला? महात्मा गांधी भी सदस्य नहीं थे पार्लियामेंट के, लड़ाई लड़ी, आजादी दिलाई। हम मोदी जी के खिलाफ लड़के इस देश को नफरत से आजादी दिलाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, राहुल गांधी चोर है, मोदी चोर है, और इस सरकार को बताएंगे हम डरने वाले नहीं। आप लोग बैरिकेड तोड़ेंगे, आप लोग जो है आतंकवाद साबित होना चाहते हैं, आतंकवादी वाली हरकत करेंगे। अंग्रेजों ने भी बहुत बैरिकेड लगाए, हमने उनके भी तोड़े थे। हम देश को आजाद दिलाने वाले लोग हैं। 2024 में क्या होगा? 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये लोग जो है बैरिकेड तोड़ने की बात कह रहे हैं, ये लोग पीछे हटने वाले नहीं, बोल रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। ये लोग किसी भी हालत में चुप रहने वाले नहीं है। आप लोगों की इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर।